विकास कुमार पांडे की रेखा से ही है। वे आपके सामने एक कविता पाठ करेंगे। कविता के बोल है, बच्चे अब तो बड़े हो गए। श्री विकास कुमार पांडे जी। आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री महाप्रबंधक महोदय का अभिनंदन करता हूँ और साथ में डीरे का और बनारस के सुधी श्रोतागण का भी अभिनंदन और नमन करता हूँ। यह कविता एक संदेश दे रही है। अगर ये कविता आप तक पहुंचती है तो तालियों के माध्यम से अवश्य सूचित करें मुझे। पांव पे अपने खड़े हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। पांव पे अपने खड़े हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। बालक बिन जीवन था खाली, जैसे बिन फूलों की डाली। जब घर में गूंजी किलकारी, मिल गई जैसे खुशियां सारी। दुखड़े सारे परे हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। और खेल खेल में बच्चा बोला, खेल खेल में बच्चा बोला, ले आऊंगा उड़न खटोला। मम्मी पापा को बैठा कर मैं लाऊंगा देश घुमा कर। हृदय भाव से भरे हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। सुखमय जीवन की अभिलाषा, बच्चों को हीरे सा तराशा। पिता ने की दिन रात कमाई, पूर्ण हुई बच्चों की पढ़ाई। सोना जैसे खड़े हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। बहुत दीर्घ यह सफर रहा था, तिनका तिनका संवर रहा था। यूं ही नहीं बना है घर यह, प्रतिदिन बना है आठ पहर यह। स्मृति पत्र सब हरे हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। कि आसमान से ऊंचे सपने पीछा करते छूटे अपने। परदेश को अपना ठौर बनाया, माँ बाप को गैर बनाया। सब पुत्र के कड़े हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। और एक और घटना जो आप सबके ध्यान में होगी, आपके आंखों के सामने से गुजरी है, अगर वो घटना आप तक पहुंचाता हूं तो एक बार फिर जोरदार तालियों से मुझे सूचित करें। कि माँ जी का जंजाल हो गई, परित्यक्त रही कंकाल हो गई। माँ जी का जंजाल हो गई, परित्यक्त रही कंकाल हो गई। धन अर्जन में इतना डूबे कि दौलत ही तो काल हो गई। संस्कार मुर्दे गड़े हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। और अंतिम पक्तियां हैं कि ऐसा कभी न होने देना, सुख देना मत रोने देना। कदापि माता और पिता को यह पीड़ा मत होने देना। कि दिन अब कांटों जड़े हो गए, बच्चे अब तो बड़े हो गए।